Now, Ms. Kuratulain, Chartered President, Islamabad, Crescent Star Loin Club will proceed. Assalamualaikum. सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ ब्रिगेडियर असलम साहब प्रेसिडेंट आरडीएफ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपने लाइन्स क्लब्स इंटरनेशनल के यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए आप पानी पे आपसे पानी की कंजम्पशन पे बात कर सकूँ. थैंक यू सो मच सर. हम पानी पैदा नहीं कर सकते, हम पानी बचा सकते. हमारा अलमिया ये है कि हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं. अपनी नस्लों के लिए हमारे पास पानी बहुत महदूद है और हम अपना पानी जो बचा सकते हैं वो आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफा हो सकता है जो हम उनके लिए इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं. पानी को बहुत बेदर्दी से ज़ाया किया जा रहा है. वक्त के साथ साथ आपको पता है कि आबादी में भी इजाफा हो रहा है और इसी तरह जो है लीटर पर कैपिटल पर डे बढ़ता चला जा रहा है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है वो मेरे साथी मुनीर साहब ने भी इस पे थोड़ा सा गौर किया था, मैं भी इसको आगे बताती चलूँ कि ज़रात पे इस वक्त जो है 97% जो है वो इस्तेमाल हो रहा है पानी. 23% जो है इंडस्ट्रीज में कंज्यूम हो रहा है और बाकी का जो 8% बचता है वो हम इस वक्त डोमेस्टिक लेवल पे जिसकी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 250 लीटर पर कैपिटा पर डे खर्च हो रहा है इस वक्त. इसमें मैं थोड़े से फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी साथ साथ क्योंकि कुछ हमारे पहले भी मैम सारा ने भी कुछ ब्रीफ किया. थैंक यू सो मच. आगे मैं इसमें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हमारा इस वक्त कंज्यूम हो रहा है, जो ज़ाया हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही, उसका डाटा हम नहीं दे सकते, लेकिन जो कंज्यूम हो रहा है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारा है 1.51 प्रोडक्ट 5 लीटर उस पर इस्तेमाल होता है. इसके अलावा आप फ्रेश जूस जो होता है उस पर आप जो फ्रूट जूस के हवाले से है उसमें हम 3 से 15 लीटर पर प्रोडक्ट खर्च कर रहे हैं पानी इस वक्त. कैन जो फ्रूट का जो है उसमें 2 से 27 लीटर, ईंटों की फैक्ट्रीज में 15 से 30 लीटर फी किलोग्राम के हवाले से यूटिलाइज हो रहा है. कागज में 3 से 35 लीटर फी किलोग्राम इस वक्त यूटिलाइज हो रहा है. टेक्सटाइल पे 100 से 300 लीटर फी केजी पानी इस वक्त खर्च हो रहा है. इसी तरह अगर हम कमर्शली देख लेते हैं तो स्कूल्स में 10 लीटर पर कैपिटा पर डे, हॉस्पिटल्स में 300 लीटर कैपिटा पर डे, इसी तरह पब्लिक ऑफिसेस में 40 लीटर पर कैपिटा पर डे, रेस्टोरेंट्स में 70, सोशल सेंटर्स में 10, कैफेटेरियाज में 35 और मस्जिदों में 15 लीटर पर कैपिटा और गार्डन्स में 25 क्यूबिक मीटर इस वक्त पानी इस्तेमाल हो रहा है. ये वो है जिसका फिगर हम आपको दे सकते हैं और जो इसमें ज़ाया हो रहा है उसको हम इसमें काउंट नहीं कर रहे. आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पानी की कंजम्पशन किस तरीके से हो रही है और लोग पानी को किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं. इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ बताती चलूँ कि बात सर ने भी की, रजा साहब ने, कि आप अपना अपना जो है वो इस यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हर फर्द को अपना देना चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए. आज हम अपना कंट्रीब्यूशन अपने पानी को बचाने के लिए जो अपने इंडिविजुअली दे सकते हैं और कम्युनिटी लेवल पे दे सकते हैं, क्योंकि मैं लाइन क्लब्स इंटरनेशनल को यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ और हम सोशल सेक्टर में सर्व कर रहे होते हैं, तो हमने स्मॉल स्केल पे और लार्ज स्केल पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी. वाटर अवेयरनेस पे स्कूल्स के कुछ प्रोग्राम्स जिनमें अवेयरनेस देकर बच्चों को, बच्चा एक ऐसा छोटा जहन है जो फौरन आपकी बात को समझ सकता है, तो हमने स्टार्टअप वहाँ से किया था और इस पर हम काम कर रहे हैं. साथ साथ रेन हार्वेस्टिंग इस प्रोग्राम पे हमारी वर्किंग चल रही है कि हम चाह रहे हैं कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि पानी को किस तरह से आपको स्टोर करना चाहिए. सैंड फिल्टर पे हमारा काम चल रहा है
वाटर बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस हम कंडक्ट करते हैं जिससे हम अवेयरनेस दे सकें लोगों को ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा किचन गार्डनिंग, जो वेस्ट वाटर है उससे कैसे किचन गार्डनिंग की जाए, इस पे हमारा एक फोकस है। तो मेरी गुजारिश होगी कि हमें अपना कंडक्ट, अपना इंडिविजुअली कम्युनिटी के लिए जो हम खुद से कर सकते हैं उसमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अब वक्त की ज़रूरत है। अब इसको हमें आगे इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमारी नस्लों के लिए जो मसला आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं हूं अवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीस टीवी। आज हम मौजूद हैं रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन आरडीएफ के दफ्तर में। यहां पर जो है वर्ल्ड वाटर डे सेमिनार का इनेकाद हुआ। पानी का मसला जो आप जानते हैं बहुत बड़ा अहम इशू है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि वर्ल्ड का इशू है। पानी जो है उसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम किसी घर के इस्तेमाल के लिए, किसी चीज़ के लिए गाड़ी वॉश करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जिससे पानी की किल्लत होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है। वो हमारे जो आबी ज़खायर हैं वो कम हैं। तो इसलिए आज का जो सबसे अहम पैगाम मैं देना चाहूँगा देखने वाले नाज़रीन को, वो ये है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। पानी ही जिंदगी है। देखते रहिए पाकिस्तान पीस टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।